हमारे शरीर में खून तीन तरह के कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला रेड ब्लड सेल, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। ब्लड ग्रुप कौन सा है ये तय करने के दो आधार होते हैं, पहला एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन। व्हाइट ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन की परत को एंटीजन कहते हैं। ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, ब्लड बी में सिर्फ बी, ब्लड एबी में दोनों होते हैं और टाइप ओ में दोनों ही नहीं होते। बात यही नहीं खत्म होती। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता है, तो सवाल उठता है कि अब पॉजिटिव या नेगेटिव किस आधार पर होता है। दरअसल लाल रक्त कोशिकाओं में एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे कहते हैं RHD। जब खून में RHD हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर दोनों ना हो तो नेगेटिव टाइप कहा जाता है। इस तरह सामान्यतः कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया जाता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ध्यान रखिए इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप के कई क्लासिफिकेशन होते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो उसे ऐसे ही कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, बल्कि उसके ब्लड ग्रुप का पता होना जरूरी होता है। अगर निगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ाया जाए तो ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर को एंटीबॉडीज इस खून को स्वीकार नहीं करते हैं। चूंकि ओ ब्लड ग्रुप वालों में ना तो एंटीजन ए और बी होते हैं और ना ही RHD, ऐसे में खून बिना रिएक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। इसीलिए ये ब्लड बाकी सभी ब्लड ग्रुप वालों को चढ़ाया जा सकता है और इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब आते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। 1972 में ANWJ नाम का एक ब्लड ग्रुप एंटीजन खोजा गया था, लेकिन तब वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाए थे कि ये एंटीजन कैसे काम करता है। अब 50 साल बाद NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट नाम की एक संस्था और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल के वैज्ञानिकों की टीम ने इसका सही कारण ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक नया ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजा है जिसे MAL नाम दिया गया है। इस टीम की लीडर लुइस टीली और उनकी टीम ने एक ऐसा टेस्ट बनाया है जिससे उन लोगों की पहचान की जा सकेगी जिसके खून में ANWJ एंटीजन होता। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उन मरीजों के लिए खून का सही डोनर ढूंढना आसान हो जाएगा जिनके पास ये एंटीजन नहीं है। ये खोज न सिर्फ ब्रिटेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होगी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टेस्ट बनाया है जो बाकी ब्लड टेस्टर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसे डॉक्टर आसानी से पता लगा सकेंगे कि किस मरीज को किस तरह का खून चाहिए। खोज के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ANWJ एंटीजन की पहचान। इसमें वैज्ञानिकों ने ANWJ एंटीजन के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जिससे उन मरीजों का इलाज आसान हो सकेगा जिनके पास ये एंटीजन नहीं होता। दूसरा है MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस नई खोज ने MAL को 47वें ब्लड ग्रुप सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। इसमें ANWJ एंटीजन भी शामिल है। तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षा। अब वैज्ञानिक ऐसे टेस्ट बना सकेंगे जो उन मरीजों की पहचान करेंगे जिनके पास ANWJ एंटीजन नहीं है, ताकि ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।